खेत में काम करने के दौरान मजदूरों को एक फीट की गहराई पर अष्ट धातु की 5 किलो की मूर्ति मिली है। खेत में जुताई करते समय जब एक मजदूर की फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आई तो और खुदाई की गई। खुदाई में अष्ट धातु की मूर्ति मिली है। मूर्ति के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। मूर्ति का वजन 5 किलो से भी अधिक है। मूर्ति की लंबाई 1.25 फीट है। गोरखपुर के दमदरा गांव के रहने वाले रिटायर्ड जेलर वंश बहादुर सिंह के खेत मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर के फावड़े से लोहे की कोई वस्तु टकराई। लगभग 1 फीट तक खुदाई करने के बाद अष्ट धातु की एक मूर्ति मिली। मूर्ति की लंबाई 1.25 फीट है। वहीं उसका वजन 5 किलो से भी अधिक बताया जा रहा है। एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूर्ति की कीमत 10 करोड़ रुपए के लगभग आंकी गई है। उन्होंने बताया कि इसके सही समय के आंकलन के लिए इतिहासकारों से संपर्क किया जा रहा है। इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये किस कालखंड की मूर्ति है। एक बड़ालगंज थाना क्षेत्र में मदराहा गाँव है, जहाँ वंश बहादुर सिंह है जो रिटायर्ड जेलर रहे हैं, इनके खेत में इनके यहाँ मजदूर लगे थे तो खेत में एक अष्ट धातु की मूर्ति मिली है। कल थाना को वो प्राप्त हुआ था, पब्लिक ने उसे वो कराया था तो सूचना पे वो उसका वेट कराया गया है। वो अष्ट धातु की मूर्ति करीब 5 किलो से ऊपर है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो ये कीमत है वो करीब 10 करोड़ से भी अधिक मूल्य की है। किस थाने का मामला है सर? ये थाना बड़ालगंज का मामला है और वो जो मूर्ति है वो लगभग 1.25 फीट की है और अष्ट धातु की है।